तो भाई कल के दिन पहली बार मैं किसी मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, पहली बार मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, क्योंकि अगर कल के दिन पाकिस्तान वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड को हरा देती तो भारत टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाती। भाई देखो, मेरे को उम्मीद तो नहीं थी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगी, लेकिन जब पहली पारी में इन्होंने न्यूजीलैंड को 110 पे रोक दिया था, तब अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीदें जागने लगी थी कि शायद यहां पे पलटवार हो सकता है, शायद पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकती है और शायद इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग पे आती है, मात्र 28 रन पे अपने 5 विकेट खो देती है, उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप जरूर होती है, 52 रन पे भी इनके 5 विकेट होते हैं, फिर से साला अपन को लगने लगता है कि क्या यहां पे पाकिस्तान जीत सकती है, क्या सच में भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन जहां इनका स्कोर 52 पे 5 होता है, उसके बाद 52 पे 6 होता है, फिर 55 पे 7 विकेट गिरता है और उसके बाद 56 रन के अंदर ये पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। भाई जैसा मैंने कहा, जिंदगी में पहली बार मैंने पाकिस्तान से कुछ उम्मीदें लगाई थी और इन्होंने उसमें भी हक दिया। लेकिन भाई जो भी कहो, पाकिस्तान एक चीज के लिए ना पूरे तरीके से तारीफ की हकदार है कि ये लोग मेंस क्रिकेट टीम और वुमेन्स क्रिकेट टीम में बिल्कुल ही भेदभाव नहीं करते हैं। जितनी घटिया इनकी मेंस क्रिकेट टीम है, उतनी ही भाईयात इनकी वुमेन्स क्रिकेट टीम है। खैर, इस टी20 वर्ल्ड कप में तो भारत के सफर का अंत हो गया है। उम्मीद करते हैं कि अगले टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ ना हो कि भारत को किसी और टीम पे डिपेंडेंट होना पड़े, और ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ ना हो कि भाई किसी भी दिन भारत को पाकिस्तान की टीम पे डिपेंड होना पड़े। लेकिन भाई जहां एक तरफ इंडियन टीम के सफर का अंत हुआ है, तो वहीं कल से शुरुआत होनी है इंडियन टीम के एक नए सफर की, क्योंकि कल से शुरुआत होनी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की। फिलहाल जो इंडियन टीम है वो बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पूरे तरीके से प्रैक्टिस मशरूफ है। कल के दिन इस चिन्नास्वामी स्टेडियम की प्रैक्टिस से हमारे सामने कुछ ऐसी फुटेजेस भी आई हैं जिन्हें अगर आप देखेंगे तो भाई खुशी के मारे कसम से आपके आंसू निकल जाएंगे, एक अलग ही नॉस्टैल्जिया फील होगा। अब इससे पहले कि मैं आपको वो फुटेजेस दिखाऊं, भैया जल्दी से जाइए, अब तो भैया टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है तो टाइम मत वेस्ट करो। लिंक है भैया प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अभी जाके ज्वाइन करो और मस्त भाई कल से हर दिन जो भैया प्रेडिक्शन आएंगी उनका इस्तेमाल करो, उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी प्रेडिक्शन करो और मस्त भाई अंधा पैसा छापो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कुछ जाना नहीं है, तुमको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पे तुमको इवन प्रिंस भाई का कॉन्टैक्ट नंबर ही मिल जाएगा, सीधे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी प्रेडिक्शन उनसे मांग सकते हो और उन प्रेडिक्शन की मदद से मस्त फैंटेसी टीम बना के या फिर जैसा मैंने कहा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके मस्त भाई अंधा पैसा छाप सकते हो। तो टाइम मत वेस्ट करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जल्दी जाओ और ज्वाइन करो। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम से हमारे सामने विराट कोहली, रोहित शर्मा की, यशस्वी जायसवाल की कुछ कमाल की फुटेजेस सामने आई। और भाई देखो, अब जब विराट कोहली की बात निकली है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त भैया मैंने बहुत बातें करी थी कि कुछ भी करके कोहली का यहां शतक चाहिए ही चाहिए, और मैंने मान लिया था कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, कोहली शतक मार ही देंगे। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है, कोहली की तरफ से शतक क्या, उस सीरीज में एक अर्धशतक देखने को भी नहीं मिला। लेकिन अब जो भैया शेर है वो अपने घर पे लौट आया है। जी हां, विराट कोहली अब अपने गढ़ चिन्नास्वामी स्टेडियम में आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इस न्यूजीलैंड सीरीज में विराट कोहली की जो शुरुआत है वो शानदार रहेगी। जो थोड़ा सा काम अधूरा रह गया था पिछली टेस्ट सीरीज में, उस अधूरे काम को यहां पे पूरा करेंगे और पहले टेस्ट मैच में हम सबको भैया शतक के दर्शन देंगे। किस किस को लगता है कि विराट कोहली की तरफ से पहले टेस्ट मैच में हमें सेंचुरी देखने को मिलेगी, जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे भाई तुमको यकीन हो या ना हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को विराट कोहली पे पूरा भरोसा है। क्योंकि कल के दिन इस सीरीज की शुरुआत से पहले गौतम गंभीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां वो कहते हैं कि विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और आज भी उनके अंदर जो भूख है रन बनाने की, वो भूख वैसी है जैसी कि उनके अंदर तब थी जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इवन गौतम गंभीर ये भी कहते हैं कि मुझको पूरा भरोसा है कि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ भर भर के रन मारेंगे, इवन इसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहां भी हमको विराट कोहली का वो विंटेज रूप देखने को मिलेगा, वो विकराल रूप देखने को मिलेगा जब बल्ले से उनके सिर्फ रन और रन निकलते हैं। और साथ में गौतम गंभीर ये भी कहते हैं कि लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि विराट कोहली जिस तरीके के प्लेयर हैं, एक बार हल्की फुल्की कंसिस्टेंसी आ जाती है तो उसके बाद ऐसा तहलका मचाते हैं कि बड़ों बड़ों की फटके हाथ में आ जाती है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गौतम गंभीर ने एक ऐसा कमाल का स्टेटमेंट दिया कि भाई सुन के हर भारतीय बोला वाह गौती भाई मजा आ गया। गौती भाई ने कहा कि हम ऐसी टेस्ट टीम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर इतनी काबिलियत हो कि
कि वो एक ही दिन में 400 रन भी जड़ सके और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो लगातार 2-3 दिन तक बैटिंग कर सके। मैं भाई यहाँ पे आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ये जो बात गौतम गंभीर ने कही है, एक बार ये पूरी बात आप खुद गौतम गंभीर के मुंह से सुने। ये पूरी वीडियो जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपको देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। टाइम मत वेस्ट करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का, थोड़ा सा नीचे जाना डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा। कसम से बता रहा हूं भाई, गौतम गंभीर जब इस बारे में बात करेंगे ना कि वो असल में कैसी टेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो तुम भी ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि यार ये इंग्लैंड वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं बास बॉल वगैरह की, असल एटीट्यूड तो इसे कहते हैं। वैसे तुमको पता है अगर रोहित शर्मा इस पहले टेस्ट मैच में ही 5 छक्के जड़ देते हैं तो वो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। किस किस को लगता है रोहित शर्मा ये कारनामा पहले ही टेस्ट मैच में कर सकते हैं, पहले ही टेस्ट मैच में वो 5 छक्के जड़ सकते हैं, जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो भाई, जाहिर सी बात है कि अगर रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में छक्के लगाएंगे या विराट कोहली शतक जड़ेंगे तो अपने को तो मजा आएगा ही आएगा, लेकिन भाई एक टीम ऐसी है जिसको कल के दिन बिल्कुल मजा नहीं आया और वो टीम है नन अदर देन आरसीबी। क्योंकि कल के दिन आरसीबी को एक इतनी बड़ी बैड न्यूज मिली है, अगर आप एक आरसीबी फैन हैं और आप तक ये खबर नहीं पहुंची है तो आपका दिल टूटने वाला है। देखो, जब हम आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट की बात कर रहे थे तो वहां पे हम सोच रहे थे कि आरसीबी जब 18 करोड़ में पहला रिटेंशन करेगी तो वहां पे विराट कोहली को रिटेन करेगी, उसके बाद 14 करोड़ में सिराज को रिटेन करेगी और 11 करोड़ में रजत पाटीदार को रिटेन कर सकती है। वहीं पे हमारा ये भी मानना था कि अगर आरसीबी अपना चौथा रिटेंशन करती है 18 करोड़ में तो कैमरून ग्रीन को रिटेन कर सकती है, क्योंकि पिछले सीजन में कैमरून ग्रीन बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही जलवे बिखेर रहे थे, और जलवे ना भी बिखेरे हों सबको पता है कि कैमरून ग्रीन बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही कितने काम आ सकते हैं, और आरसीबी को ऐसा ही प्लेयर चाहिए जो इतना कमाल का ऑलराउंडर हो। लेकिन भाई कल के दिन एक बहुत बड़ी बैड न्यूज सामने आती है जो कि असल में इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी भी है, और भाई वो खबर ये है कि कैमरून ग्रीन जो हैं वो अगले 6 महीने के लिए क्रिकेट से पूरे तरीके से रूल आउट हो चुके हैं। जी हां, कैमरून ग्रीन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अचानक उनको सर्जरी करानी पड़ रही है लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस सर्जरी के चलते कैमरून ग्रीन को कम से कम 6 महीने पूरे तरीके से क्रिकेट से दूर रहना होगा, और भाई आज से अगर अगले 6 महीने के बारे में सोचें तो भाई आईपीएल खेल पाना मुश्किल है। मार्च एंड में आईपीएल शुरू हो जाती है और भाई देखो, जब सर्जरी करा लिए होंगे तो जाहिर सी बात है वो पहले ही इस बात का ऐलान कर देंगे कि मेरे को रिटेन मत करिए, क्योंकि मैं आऊं या ना आऊं कुछ नहीं पता, और अगर वो कुछ कहें भी तो आरसीबी वाले इतना भरोसा नहीं दिखाएंगे, बेकार में इतने पैसे खर्च नहीं करेंगे, जिसके बाद मुझको यकीन है कि कैमरून ग्रीन ऑक्शन से अपना नाम खींच लेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार रिटेंशन रूल्स के अंदर एक रूल ये भी था कि अगर कोई प्लेयर अपना ऑक्शन में नाम देता है, उसके बाद अगर वो प्लेयर खरीद लिया जाता है एंड उसके बाद किसी भी वजह से वो अपने आप को आईपीएल से बैकआउट कर लेता है तो 2 साल के लिए उसको पूरे तरीके से आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। ऐसा कैमरून ग्रीन चाहेंगे नहीं, और भाई जस्ट अगर रिकवर हो रहे हैं तो सीधे बीच में आके आईपीएल तो क्या ही खेलेंगे, कहेंगे आईपीएल जाने दो, जब खेलेंगे तब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसे में ये कंफर्म आप मान सकते हैं कि कैमरून ग्रीन आईपीएल 2025 में आपको आरसीबी के लिए खेलते देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बाकी यार आगे बढ़े तो कैमरून ग्रीन हमें आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए खेलते हुए देखने को मिले या ना मिले, लेकिन भाई एक प्लेयर ऐसा है जिसको मैं कुछ भी करके आने वाली टेस्ट सीरीज में इंडिया के लिए खेलते हुए बिल्कुल देखना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं यहां पे अभिमन्यु ईश्वरन की। ये नाम आपने पिछले कुछ दिन में जरूर सुना होगा, क्योंकि भाई साहब ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बवाल मचा के रखा है। भाई साहब ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर लगातार 4 मैचों में 4 सेंचुरी जड़ दी हैं, जहां इन्होंने पहले दिलीप ट्रॉफी के अंदर 2 सेंचुरी जड़ी, उसके बाद ईरानी कप में गए तो वहां भी जाते ही सेंचुरी जड़ दी, उसके बाद कल के दिन रणजी ट्रॉफी में भी सेंचुरी जड़ दी। और भाई देखो, जैसा मैंने कहा कि अगर तुम अभिमन्यु ईश्वरन का नाम अभी-अभी सुन रहे हो ना, तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि इस बंदे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर टोटल 99 मैचेस खेल लिए हैं, अगला मैच इसका सवा मैच होगा, और फिलहाल बंदे की 50 की एवरेज चल रही है, जहां इन्होंने 7,638 रन जड़ दिए हैं, 27 शतक लगाए हैं और 29 अर्धशतक लगाए हैं। इसे वन ऑफ द अंडररेटेड क्रिकेटर कहा जाता है, पर ऐसा माना जा रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एज अ बैकअप ओपनर अब ऋतुराज गायकवाड़ नहीं बल्कि अभिमन्यु ईश्वरन जाएंगे। आपका इस फैसले के बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि याद से गौतम गंभीर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पे वो आने वाले वक्त के लिए किस तरीके से इंडियन टीम तैयार
तैयार होने वाली है उस बारे में बात कर रहे हैं। वो बात आपको गौती भाई के मुंह से ही सुननी चाहिए, तभी मजा आएगा। और भाई देखो, जब डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जा ही रहे होगे तो यार प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे बिना आ गए तो फिर क्या ही फायदा यार। और मैंने कहा ना, अब तो वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, सीधे व्हाट्सएप करके सीधे कॉल करके आप उनसे प्रेडिक्शन मांग सकते हैं और उसकी मदद से टीम वगैरह बना के मस्त पैसा कमा सकते हैं। एंड भाई देखो, चाहो तो आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, जिस चीज में कुछ जाता नहीं है वो करने में भी क्या ही जाता है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।